राहुल गांधी कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम से राजस्थान विधानसभा का शंखनाद करेंगे, माफी चाहूंगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। राहुल गांधी पहले दिल्ली से डबोगा एयरपोर्ट, फिर डबोगा एयरपोर्ट से मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। इसके लिए मानगढ़ धाम की पहाड़ी के नीचे 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज रावल ने। राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो बहाल होने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान के उस जगह पे आ रहे हैं जो मानगढ़ धाम, जो आदिवासियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है, वहां पर पहुंचेंगे और यहां पर सभा को संबोधित करेंगे। वही मानगढ़ धाम के अंदर पहुंचने के बाद यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं इस वक्त हेलीपैड पर मौजूद हूँ जहां पर 3 अस्थायी रूप से हेलीपैड बनाए गए हैं। पहला हेलीपैड यह बनाया गया है, वही 2 अस्थायी हेलीपैड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। राहुल गांधी प्लेन से सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहीं पे अपने हेलीकॉप्टर से जो चार्टर्ड प्लेन्स है वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखा जाए कि जो तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर नेता जो है वो फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से कल की जो सभा है, जो बड़ी सभा होने वाली जहां पर लाखों की तादाद के अंदर जो यहाँ पर आदिवासी लोग जो है वो यहाँ पर जुटने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से 10 अगस्त को मोबाइल फोन महिला को जो दिए जा रहे हैं उसके होर्डिंग लगा गए। वही चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो यहाँ पर जनता को जो सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है उसके होर्डिंग जो है वो यहाँ पर लगाए गए। लगातार प्रदेश के प्रभारी सुखबिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ, वही तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पर आदिवासी दिवस के दिन यहाँ पर आदिवासी लोग जो है वो जुटने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव का जो संघनाद है वो राहुल गांधी मेवाड़ से वागड़ से करने वाले हैं। वागड़ का वो इलाका जहाँ पर तीर्थ स्थान कहा जाता है मानगढ़ धाम, वहां से चुनावी संघनाद का जो आगाज है वो यहाँ पर कांग्रेस करने वाली है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो राजस्थान में 25 आदिवासी बाहुल्य की जो सीटें हैं जो आरक्षित है वो और 45 सीटें जो है वो एमपी से यहाँ पर लगती हुई नजर आती है, उसको लेकर के यहाँ पर खासा जो तैयारियां है वो यहाँ पर की गई है कि किस तरह से आदिवासी जो बाहुल्य के वोट है वो कांग्रेस अपनी तरफ खींच पाए। मानगढ़ धाम आदिवासी के तीर्थ स्थान से राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद का आगाज करेंगे, जहां आदिवासी दिवस के दिन शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राहुल गांधी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं जगह जगह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे सहित तमाम बड़े नेताओं के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं डीएसपी, एएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता धीरज रावल ने जायजा लिया। राजस्थान के रण में राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है उसके बहाली के बाद पहली बार राजस्थान के वागड़ इलाके में आ रहे हैं, जहां मानगढ़ धाम के अंदर जो आदिवासियों का तीर्थ स्थान माना जाता है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद यहां पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। उसकी तमाम तैयारियों को लेकर के पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद है। वहीं करीब 1050 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर एक वेलकम बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। वहीं वेलकम राहुल जी के नाम से यहाँ पर साइन बोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के मेवाड़ पर आने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर सरकार द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कर दी गई है। करीब 1050 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर राजस्थान पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। राहुल गांधी यहाँ पर करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे और 1:30 बजे पहुंचने के बाद वो हेलीपैड से सीधे मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद सभा के लिए सभा स्थल पहुंचेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर के कांग्रेस के मंत्री सहित तमाम जो पदाधिकारी है वो लगातार यहाँ पर फीडबैक लेते जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर भीड़ जुटाने के जो है वो यहाँ पर दावे है जो कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार जो है एक के बाद एक यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रभारी मंत्री
सुखविंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम मंत्री यहां पर एक के बाद भीड़ जुटाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ धीरज रावल, बांसवाड़ा।